हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पहली बार इराक आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा गया है कि हेल्पर लोगों का सैलरी यहाँ इराक में कितना है, और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया है और व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों ने मैसेज किया है कि बताइए कितना सैलरी है। तो भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी $1 पर आवर, यानी कि एक घंटे का $1 सैलरी यहाँ पे हेल्पर लोगों का है। और एक भाई ने मेरे पास मैसेज भेजा था और रिक्वायरमेंट भी भेजा था कि उसमें हेल्पर का सैलरी जो है, हुंडई इंजीनियरिंग का हेल्पर का सैलरी दिखा रहा है उसमें $450। तो भाई, ये पूरा एकदम 100% ये गलत है, ये फेक है। $450 यहाँ पे हेल्पर का सैलरी हुंडई किसी को नहीं दिया है, ये पूरा पूरा एकदम 100% फेक है। तो आप लोग बच के रहिएगा क्योंकि इराक के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है। बोल रहे हैं आप इतना सैलरी में भेज देंगे और बाद में पैसा लेके भाग जाते हैं, खुद भाग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग ऐसे ऑफिस से काम करवाइए जो ऑफिस के बारे में सबको पता हो, सब लोग जानते हो। पूरा जांच पड़ताल ज़रूर कीजिए, उसके बाद अप्लाई आप कीजिए, क्योंकि यहाँ इराक के नाम पर बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है, बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि $400 और $500 हेल्पर लोगों को देगी कंपनी, तो ये गलत है, इतना सैलरी यहाँ पे नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। तो आप लोग बच कर रहिएगा, एजेंट लोगों के चंगुल में मत फंसिएगा। लोग बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो अच्छा से देख के ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो उसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और एक और बात कि यहाँ पे लोकल जो यहाँ की कंपनी है, लोकल कंपनी में आप लोग मत आइएगा क्योंकि लोकल कंपनी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और आप लोगों का सवाल था कि इराक का वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं, क्या गूगल पे चेक कर सकते हैं कि नहीं, या फिर कौन से ऐप से चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए मेरा ये जवाब है कि इराक का वीज़ा हम लोग ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट ऑनलाइन की कोई सुविधा अभी चालू नहीं किया है जिससे आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकें, और कोई भी ऐप से आप लोग नहीं चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी सवाल है वो ज़रूर पूछिएगा मुझसे, जितना हो सकेगा उतना जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।